बचपन में सीनरी बनाने का तरीका लगभग निर्धारित था। तीन पहाड़, बीच में से एक नदी, दो नारियल के पेड़ और एक घर। धीरे धीरे सूरज, बादल और चिड़िया भी उसमें जाकर जुड़ गई। बट मज़ा तब आने लगा जब कहानी वहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई। दुनिया की उस तस्वीर में थोड़ा सा बदलाव आया। कला में कुछ नहीं रखा, ऐसा विज्ञान ने समझाया। वो पेड़ जो बड़े शौक से बनाया करते थे, सब काटे जा चुके थे। वो नीली नदी अब काली पड़ गई थी और पहाड़ आधे रह गए थे। सब कहने लगे थे अचानक से गर्मी बढ़ रही है और वो चमकते हुए ताजमहल पर तेज़ाब की बारिश पड़ रही है। थोड़ा और आगे पढ़ा तो पता चला कि आसमान की कोई परत में भी कोई छेद है। करना कोई देश कुछ नहीं चाहता, पर इस बात से सबको खेद है। निश्चय किया था उस दिन पर्यावरण बचाऊंगा, बस थोड़ा बड़ा हो जाऊं मैं बदलाव लेकर आऊंगा। पर पलक झपकते ही वो सपने देखने वाला बच्चा न जाने कहीं सो गया। अरे, सफलता तो डिग्रियां और नौकरियों से मापी जाती है, बस इसी मिथ्या में खो गया। और आज वो बस वेतन की संख्या में बस शून्य बढ़ाना जानता है। प्राकृतिक सुंदरता तो आइसलैंड जाकर घूमी जा सकती है, ऐसा मानता है। उसके लिए ऊबर पूल और लोकल ट्रेन में सफ़र करना महज पैसे बचाए जाते हैं। बाकी पर्यावरण बचाने के लिए तो मैराथन दौड़ाए जाते हैं। अब बॉस भी भाग रहे होते हैं तो वो भी थोड़ा दौड़ लेता है। बस 200 ml की तीन पानी की बोतलें ज़मीन पर छोड़ देता है। रही बात जीवन की दिशा की, तो स्पष्टता की बात बस यही है कि निश्चय, दृढ़ता सब अपनी जगह, पर समय किसी के पास नहीं है। उस बच्चे को नहीं पता था कि ऐसे ही गुम हो जाएगा, और इस लड़के को नहीं पता है जाने कल क्या आएगा। पर मेरी तकलीफ उस बच्चे के कल से नहीं, इस लड़के के आज से है। और शायद ये शिकायत मेरी उससे, खुद से और पूरे समाज से है कि अगर सब भागते रहेंगे तो कोई कहीं नहीं पहुंचेगा। अगर सब भागते रहेंगे तो बैठकर कौन सोचेगा। समझना शायद ये भी ज़रूरी है कि अब भी कुछ करना ठीक है। बड़े बदलाव ना सही, छोटे सुधार तो नज़दीक है। सुधार जो यहीं कहीं घर के किसी कोने में हो, ना कि बस बैठकर सरकार की किसी नीति के अधीन रोने में हो। अचानक से सब सामाजिक कार्य वाली भली चीज़ें पोस्ट रिटायरमेंट के लिए प्लान हो रही है, क्योंकि ज़रूरतें तो बढ़ती जा रही है और उसकी जगह मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। खैर, सफ़र की लंबाई अभी तक उसने एक चौथाई ही नापी है। कुछ ख्वाहिशें उसने पूरी करी भी है, बट कुछ ख्वाब उसके अभी भी बाकी है।